हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका स्मार्ट किचन सीरीज के इस एपिसोड में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक न्यूट्रीब्लेंड ब्लेंडर को आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसे क्लीन करेंगे, कुछ बातों को कैसे हमें ध्यान रखना है कि जो एक न्यूट्रीब्लेंडर होता है उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकें। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो कोई भी ब्लेंडर खरीदते हैं, कुछ ही टाइम बाद उनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। कोई कहता है कि उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, कोई कहता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई कहता है कि इसकी ब्लेड शार्प नहीं है। तो उनके जो रीज़न होते हैं वो होते हैं कि हम उनको ध्यान से यूज़ नहीं करते, कैसे उन्हें हमें यूज करना है, कैसे उन्हें मेंटेन करना है, वही रीजन होते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको इसे कैसे यूज करना है। तो गाइस, न्यूट्रीब्लेंड ब्लेंडर की लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए 3 मेन पॉइंट है जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है असेंबल द पार्ट प्रॉपरली। क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में हम उसको लगाते हैं और वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होता और उसको रन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लेंडर है वो डैमेज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि डोंट रन योर ब्लेंडर मोर देन 1 मिनट कंटिन्यूअसली। जब भी आप ब्लेंडर यूज करें उसे 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं चलाना है। उससे क्या होगा, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा उसको चलाते हैं तो वो ओवरहीट हो जाती है मोटर और हमारी मोटर है वो डैमेज हो सकती है, तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है गाइस, बी केयरफुल विद द इंग्रेडिएंट्स यू मिक्स इन द ब्लेंडर। यानी कि जब आप ब्लेंडर में किसी भी चीज को डालते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं तो वहां पर आप ध्यान रखिए कि सबसे नीचे जो आप डाल रहे हैं वो लिक्विड जो है इंग्रेडिएंट्स उसको डालिए, सेकंड उसके ऊपर जो सॉफ्ट इंग्रेडिएंट होता है उसको डालिए, और उसके ऊपर जो होता है वो जो सबसे हार्ड इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि अदरक होता है या कुछ भी हार्ड पार्ट होता है वो सबसे ऊपर रखिए। तो उससे क्या होगा, जो आपकी फूड की ब्लेंडिंग होगी वो बहुत अच्छे से होगी, ब्लेड भी अच्छे से काम करेंगे और हमारा जो ब्लेंडर है वो मेंटेन रहेगा। तो गाइज, एक और मेन पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्लेंडर में इंग्रीडियंट्स को ब्लेंड करें तो ये ध्यान रखें कि डोंट ओवरलोड योर ब्लेंडर। वहाँ क्या होता है, कभी कभी हम ब्लेंडर को पूरा ऊपर तक भर देते हैं, तो ये क्या होता है, इससे जो हमारा ब्लेंडर है वो सही काम नहीं करेगा, सही उसमें ब्लेंडिंग नहीं होगी और डैमेज होने के भी चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा उसमें आपने जब भी अगर ध्यान किया हो, ब्लेंडर लिया हो, तो वहाँ पर ऊपर एक साइन बना रहता है मैक्स करके, तो उतना ही आपको वहाँ पर ध्यान जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने हैं, उससे ज़्यादा उसको ओवरलोडिंग मत कीजिए। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रीब्लेंड ब्लेंडर को आप कैसे क्लीन करें जिससे कि उसकी लाइफ बढ़े और वो मेंटेन भी रहे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं इसकी मेन मोटर से, जो आप देख सकते हैं ये मेन यूनिट है न्यूट्रीब्लेंड ब्लेंडर की। तो उसको सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर स्विच हम ऑफ करेंगे, प्लग हम निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे इसको क्लीन करने के लिए। तो इसको क्लीन ये ध्यान में रखना है कि इसे हमें रनिंग वाटर में क्लीन नहीं करना है। इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर स्पॉन्जी वाइप, इस तरह का मार्केट में मिल जाता है, आप उसको गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद इसको हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अच्छे से हम इसको क्लीन कर देंगे। तो देखिए, बस इसको इस तरह से हमें चारों तरफ से क्लीन करते हुए रहना है और ये क्लीन हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ हम आते हैं, ऊपर की तरफ भी हमें इसको सेम ऐसे ही क्लीन करना है। तो वाइप आप ले लीजिए, इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो पार्ट है, कभी कभी क्या होता है इसमें भी खाना गिर जाता है और फंस जाता है, तो उसके लिए आपको ब्रश के द्वारा इसे इस तरह से क्लीन करना है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको, कुछ भी अगर गिर जाता है तो हल्का सा इसको गीला कर लीजिए, और गीला करके आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर इसको इस तरह से पूछ के एक जो ड्राई कपड़ा है उससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो गीले कपड़े साफ करने के बाद इसको आप या तो टिश्यू से या फिर जो ड्राई सॉफ्ट कपड़ा हो उसको आप इस तरह से वाइप कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो है इसको क्लीन करने का मेथड, सिंपल। बट गाइस, क्या होता है, कभी कभी ये जो पार्ट है आप यहाँ पर देखेंगे कि जब से बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर निशान लग जाते हैं, या फिर ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे भी अंदर ये डर्टी हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए भी आप क्या करेंगे, ब्रश को हल्का सा गीला कर लेंगे और इस तरह से इनको आप क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको उसको क्लीन करना है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ब्लेंडर है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर ये जो है इसके पीछे का पार्ट है जहाँ से कि गर्म हवा बाहर आती है, तो यहाँ पर भी कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डर्ट जो डर्टी मतलब डस्ट जम जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी आप इसको ब्रश के द्वारा इस तरह से महीने में एक बार आप क्लीन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हवा अच्छे से बाहर निकलेगी और हमारी मोटर जो है ओवरहीट नहीं होगी। पीछे से भी आप इसको जो गीला कपड़ा है उसे वाइप कर सकते हैं, और सेम मेथड इसको आपको क्लीन करने का है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, तो विद इन 1 मंथ ये भी आपको क्लीन करना है। तो गाइज, अब बात करते हैं इनके ब्लेड और जार को क्लीन करने की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है गाइज, अगर आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ पर ब्लेड के कॉर्नर में जो है डस्ट जम जाती है, या फिर जम जाता है, क्लीन नहीं होता, और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। और अगर आप अंदर की तरफ मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ डस्ट जो है वो जम जाती है,
तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इन चीजों को हम कैसे क्लीन करना है जिससे कि ब्लेड जो है वो शार्प रहे और ये मेंटेन रहे। तो गाइज इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम लेंगे इसमें वार्म वाटर, बहुत तेज गर्म पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा वार्म वाटर ले लेना है, थोड़ा सा हम कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट इसमें डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है हमें बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, तो गाइज अब हम ब्लेड लेंगे और ब्रश को हल्का सा गीला करके इस तरह से इसको हमें एजेस को जो है ब्लेड के क्लीन कर लेना है, अंदर की तरफ भी ब्रश के द्वारा आप अच्छे से इसको घुमाकर क्लीन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है ब्लेड को क्लीन करने का जो उसके अंदर डस्ट जम जाती है। ऐसे ही एजेस जो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, इनको भी आप ब्रश के द्वारा और देखिए इस तरह से क्या है अंदर तक जो है पूरा लिक्विड चला जाएगा। अब हम इसको रनिंग वाटर जो है टैप के नीचे क्लीन कर लेंगे। तो गाइज अब यहाँ पर हम रनिंग वाटर में इसको इस तरह से जो है क्लीन कर लेंगे, एजेस के अंदर भी आप इसको अच्छे से डाल लीजिए और ये देखिए पीछे की तरफ भी आपको इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर अंदर से जो है क्लीन हो चुका है और अंदर की तरफ भी यहाँ पर पूरा ये क्लीन हो चुका है। अब इसको हम टिश्यू से या ड्राई कपड़े से जो है क्लीन एक बार पूछ देंगे ताकि जो वाटर के निशान है वो इसमें ना लगे। तो देखिए इस तरह से पूरा इसको हमने पूछ दिया है, पीछे से भी एक बार इसको आप अच्छे से क्लीन कर पूछ दीजिए और इसको अब हम रख देंगे एक ड्राई प्लेस में जहाँ हवा में ये अच्छे से सूख जाए। तो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका बिग जार है उसको कैसे क्लीन करना है। तो इसमें जो ब्लेड है वो फिक्स है, इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सपोज इसका ब्लेड अगर गंदा हो जाए या फिर आप अंदर तक हाथ डालकर इसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो अभी मैंने बनाया था वाटर गर्म पानी और लिक्विड का जो लिक्विड बनाकर तैयारी किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो गाइज ये जो जार है थोड़ा बड़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा लिक्विड भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना हम इसको लेवल में हम इसका लिक्विड डालकर रख लेंगे। इसके ऊपर हम लिड को लगा देंगे, इसको हम मेन यूनिट में लगाकर फिक्स कर देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं और जो लो स्पीड है उसमें हम इसको चला देते हैं। तो मैंने 10 से 12 सेकंड इसको चलाया है तो इस तरह से इसको चला लेंगे। अब हम लेंगे स्पॉन्ज, तो इस तरह से सॉफ्ट स्पॉन्जी से आपको क्लीन करना है। इसको अच्छे से एक बार इस तरह से कर लीजिए, बाहर से भी आपको जो है इस तरह से इसको क्लीन कर लेना है। अंदर जो एजेस होते हैं अगर ये गंदे हैं तो आप इनको ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज स्पॉन्ज से भी इस तरह से इनको क्लीन कर लीजिए और फिर जो है रनिंग वाटर में इसको हमें वॉश कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको हम क्लीन कर लेंगे और ऐसे ही इसको हमें क्लीन कर लेना है। देखिए अंदर से जो ब्लेड है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम शाइनिंग मार रहा है और जो जार है हमारा वो भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अब हम इसको वैसे ही एक बार टिश्यू से क्लीन कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर के हल्के हल्के स्पॉट रह जाते हैं वो नहीं रहते हैं। तो एक बार वॉश पानी से वॉश करने के बाद आप सूखे कपड़े से इसको या फिर टिश्यू से इस तरह से ड्राई करके हवा में जो है हमें इसको रख देना है। तो देखिए एकदम नए जैसा आपको लग रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं अंदर से पूरा मैंने टिश्यू से एक बार इसको क्लीन वाइप कर दिया है तो पीछे की तरफ से भी कोई वाटर ड्रॉप्स आपको इसमें नहीं मिलेगी। अब इसको हम हवा में रख देंगे थोड़ी देर के लिए जिससे कि ये मॉइस्चर जो भी है उसका निकल जाए। तो गाइज एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका काम हो ब्लेंडर का तो ये हैबिट आपको डालनी है कि तुरंत इसको क्लीन करना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि इसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो साथ साथ इसको आपको क्लीन करने की हैबिट डालनी है। तो इसको सिंपल स्पॉन्ज ले लेना है और स्पॉन्ज के द्वारा अंदर से इस तरह से आप साथ के साथ इसको क्लीन करके रख दीजिए। ऐसे ही इसको जो है ये इसको हम क्लीन कर देंगे
और रनिंग वाटर में हमें वॉश कर देना। तो ये हैबिट आपको डालने के साथ साथ काम किया और साथ साथ इसको हमने क्लीन करके इसको रख दिया। साथ साथ ये क्लीन हो गया। अब इसको सूखे टिश्यू से वाइप कर दीजिए और बाहर इसको हवा में रख दीजिए। गाइज यहाँ पर जब आप इसे वॉश करें तो ये ध्यान रखिए कि इसको बिल्कुल आपको ड्राई कर देना है टिश्यू के द्वारा, जो भी पानी अंदर आपको लगे कि गया है अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए और इसको हवा में ड्राई करने के बाद ही इसे आप दोबारा यूज़ करिए। अदरवाइज ये अगर आप नीला यूज़ करेंगे तो थोड़ा डेंजरस होगा, तो बेटर है इसको अच्छे से पूछ के और सुखा कर ही इसे यूज़ कीजिए। तो अब इसको हम धूप में रख देते हैं अच्छे से सूखने के लिए। इस तरह से आप इनको दोनों चीज़ों को रख दीजिए। तो गाइज वैसे तो ये जो जार है और ये जो पिचर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप डिशवाशर में भी क्लीन कर सकते हैं और ये जो लिड है इनको भी आप डिशवाशर में क्लीन कर सकते हैं। इसका जो डिशवाशर में जो ऊपर का रैक होता है उसमें आपको उसको रखना है और ये जो पार्ट है ये ब्लेड ये वाला आप डिशवाशर में डालिए और ये जो मेन यूनिट है इसको आपको डिशवाशर में नहीं डालनी है। और ये जो टैंपर है इसको मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप हाथ से ही क्लीन करें, इसको भी आप डिशवाशर में डालिए। तो जार पूरे डिशवाशर सेफ हैं, आप उनको डिशवाशर में भी डालकर क्लीन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इनको डिशवॉशर में क्लीन कर रहे हैं तो सैनिटाइज साइकिल जो है उसमें आपको इसको नहीं चलाना है, अदरवाइज जो प्लास्टिक है या फिर वो है मटेरियल वो हीट होकर खराब हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर आपको मैं एक और बोनस टिप बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। क्या होता है जब हम काफ़ी दिनों तक अपना ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हुए इनके जो ब्लेड हैं उनकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो एक टिप है और बहुत ही ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं और उससे जो ब्लेड की शार्पनेस है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है और जो रॉक सॉल्ट आता है लेकिन वो रॉक सॉल्ट थोड़ा दरदरा होना चाहिए, एकदम पाउडर वाला आपको यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रॉक सॉल्ट आप इसमें डालिए, इसको चलाइए कुछ सेकेंड्स के लिए आपको उसको चलाना है और वो जब रॉक सॉल्ट बिल्कुल पाउडर हो जाए तब तक आप इसको चलाते रहिए। लेकिन आपको पल्स मोड में चलाना है, तो थोड़ा चलाना है फिर रोकना है, थोड़ा चलाना है फिर रोकना है। इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो आपके ब्लेंडर के जो ब्लेड्स हैं वो शार्प हो जाएंगे। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी काफ़ी यूजफुल भी होगी। गाइज इसके अलावा मेरे स्मार्ट किचन सीरीज में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आपके किचन को स्मार्ट बनाते हैं और आपके काम को इजी करते हैं। तो अगर आप उन प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और उनको खरीद भी सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय।